हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज़ द बेसिस एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो हम यहाँ पे नेचर, इंटरनेशनल लॉ की नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये वीक लॉ है या सच में इसमें कोई बाइंडिंग फोर्स है, कंट्री जो है इसको फॉलो करती हैं या नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बड़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेचर बताइए इंटरनेशनल लॉ की, जो आप नेचर को यहाँ पे समझाइए. देखिए, टू आंसर द क्वेश्चन वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म, इट इज़ प्रॉपर टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑस्टिन. तो अगर इंटरनेशनल लॉ की प्रॉपर सेंस को समझना है तो हमें पहले ऑस्टिन की डेफिनेशन को देखना होगा. ऑस्टिन क्या बोलते हैं? देखिए, इन हिज डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द इन्फोर्समेंट बाय फिजिकल सेंक्शन इन कम्प्लायंस ऑफ द लॉ. ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, आपने जब ज्यूरिसप्रूडेंस भी पढ़ा था, वो ये बोलता था कि कोई भी लॉ बनवाने के लिए उसके पीछे सेंक्शन बड़ी ज़रूरी है. सेंक्शन का मतलब वहाँ पर क्या है? फेयर है. फेयर होना बड़ा जरूरी है, डर बहुत जरूरी है. तो अगर कोई राजा कानून बनाता है और अगर उन कानून को कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर वहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है. ये डर होता है जिसके थ्रू राजा के बनाए हुए सारे कानून माने जाते हैं. तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ तभी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जब उनके पीछे कोई सेंक्शन हो, कोई डर हो. इन द केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देर इज नो सेंक्शन फॉर इट्स कंप्लाइंस, हैंस इट इज़ नॉट नो द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म. क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के पीछे कोई डर नहीं है, कोई सेंक्शन नहीं है, इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं देते. ये बात सही भी है. आज आप इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं, UNO को देखते हैं, जब आप जो कि इम्प्लीमेंट करता है उन सभी इंटरनेशनल लॉ को जो कि कस्टम और ट्रीटी के थ्रू बनाए गए हैं. देखिए, उनको मानना नहीं मानना कहीं ना कहीं इस कंट्री पे डिपेंड करता है. अब इस टाइम पे अगर आप देखिए तो जैसे कंट्री लाइक चाइना जो है, नॉर्थ कोरिया, ईरान जो है, वो कितने इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन कर रहे हैं. ईरान और नॉर्थ कोरिया लगातार हाइड्रोजन बम, जो एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है. तो और उनको डर नहीं है, हालांकि बड़े सारे सैंक्शन उन पर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत मुश्किल है उनको रोकना. तो क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करवाने के लिए कोई सैंक्शनिटी नहीं है, कोई डर नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस जो है बहुत कम है, ऑस्टिन बोलते हैं. बट नाउ अगर हम अब की बात करें, द कंसेप्ट हैज़ चेंज एंड देयर इज एडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि अब कंसेप्ट चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉ में हो गई है. नाउ द सैंक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल पार्ट ऑफ द लॉ इवन इफ इट इज़ कंसिडर्ड दैट देयर इज सफिशिएंट प्रोविजन इन UNO. हालांकि सैंक्शन अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, हालांकि इसका बहुत सारा प्रोविजन UNO में किया गया है. UNO चार्टर जो है गया पढ़ेंगे. फॉर द कंप्लायंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट द इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ विद द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म्स. तो इसके हिसाब से देखिए, आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिए, तो इंटरनेशनल लॉ जो है इतना वीक भी नहीं है, क्योंकि UNO जो कि इंटरनेशनल लॉ को गवर्न करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ पे बड़े सारे सैंक्शन के प्रोविज़न हैं, सैंक्शन लगा सकती है. देखिए, UNO के पास कोई मिलिट्री तो है नहीं. किसी देश के अंदर अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो यहाँ पे पुलिस होती है, जुडिशरी होती है, जो उसको जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है या फिर किसी को पनिश करती है, कल्प्रिट को. इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट को पनिश करने का कोई तरीका तो है नहीं. UNO के पास कोई आर्मी तो है नहीं जिसको भेज के, लेकिन फिर भी UNO के पास सिक्योरिटी काउंसिल है और वहाँ पे बड़े तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो उस कंट्री पे लगा सकते हैं, ताकि उस पे प्रेशर बढ़े, वो इंटरनेशनल लॉ को माने. आप देखिए, आप ईरान देख लीजिए या नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, UNO ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन इन पे लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं. उनके कंट्री में वो इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक वहाँ पे सैंक्शन लगाए हुए हैं. वो किसी भी देश के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जिससे उन देशों की गवर्नमेंट पे ये दबाव आता है कि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें और लाइक इन केसेस में वो जो है एटॉमिक पावर ना बने, या हाइड्रोजन बम या नॉर्थ कोरिया जैसे बनाता है वो ना बनाए. तो सैंक्शनिटी है और अब ये एक्सेप्टेबल भी है और कंट्रीज़ जो है इसको फॉलो भी करती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोई भी कंट्री जो है आज के टाइम पे जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उनको बड़ी सारी हेल्प जो बाकी कंट्री से लेनी ही पड़ती है. तो हम बोल सकते हैं कि अब इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शनिटी भी है और इसलिए ये प्रॉपर सेंस में लॉ है. देखिए, तो ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग, ओपेनहाइम जो है फेमस जूरिस्ट हैं, जब इंटरनेशनल लॉ की बात आती है तो उन्होंने इसको एक प्रॉपर सेंस में लॉ बनाया. इसके पीछे उन्होंने बड़े सारे रीज़न यहाँ पे दिए हुए हैं. ये रीज़न आपको बताते हैं. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी नेचर बताइए, तो आप बता सकते हैं कि यस, ये इंटरनेशनल लॉ एक
प्रॉपर सेंस में लॉ है, कैसे है? देखिए, इन प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉ इज कंसिडर्ड द लॉ, ये थोड़ा ब्लर है आपकी बुक में, ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लर है थोड़ा. इन प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉ इज द कंसिडर्ड एज लॉ. दिस इज व्यू ऑफ द स्टेट्स दैट द स्टेट्स आर बाउंड टू अलाउ फॉलो द इंटरनेशनल लॉ, नॉट ओनली फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. तो इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें इन प्रैक्टिस, तो सभी कंट्रीज़ को इसको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी स्टेट्स ने यहाँ पर मेम्बरशिप ले रखी होती है. तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, तो फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन को मानना ही पड़ता है. तो यहाँ पे यूएनओ के सभी मेंबर हैं. इस टाइम पे 193 कंट्री जो हैं यूएनओ की मेंबर हैं, और उन यूएनओ की इन कंट्रीज़ को जो है इंटरनेशनल लॉ के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको मानना ही पड़ता है, नॉट मॉरली लीगली भी इनको मानना पड़ता है. सेकेंड, वैन द स्टेट्स वायलेट द इंटरनेशनल लॉ देन दे डू नॉट डिनाई द, जब कोई भी देश जो है इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है, दे डू नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल लॉ के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता, बट दे इंटरप्रटेट दैन सच अ वे, वो अपने उस काम को उस तरीके से इंटरप्रटेट करने की कोशिश करता है ताकि वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ माना जाए. तो कोई भी आज देखिए जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ के को एग्जिस्टेंस को मना नहीं करते हैं, बस अपने किए हुए काम को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ बताने की कोशिश करते हैं. जैसे चाइना है, पूरे नॉर्थ चाइना सी पे जो है अपना कब्जा जो है बोलता है, हालांकि लॉ ऑफ सी जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है ये बोलता है कि सभी का 200 नॉटिकल माइल दूरी तक ही जो है सी पे कंट्रोल होता है, लेकिन चाइना पूरे नॉर्थ जो है चाइना सी को जो है साउथ चाइना सी को अपना मानता है, और उसके पीछे तर्क ये देता है कि ये शुरू से ही चाइना का पार्ट रहा है. तो वो इंटरनेशनल कानून को एग्जिस्टेंस को जो है डिनाई नहीं करता है, लेकिन अपने उस एक्टिविटी को जो है वो इंटरनेशनल बताने की जो है कोशिश करता है. इससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ को कंट्रीज फॉलो करती हैं. द हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस हैज़ प्रूव्ड दैट इन द वेरियस कम्युनिटीज लॉज द एग्जिस्टेंस विदाउट एनी सेंक्शंस एंड द लीगल फोर्स और फेयर एंड सच लॉ हैज़ नॉट सेम एक्सेप्टेंस एज द लॉ फ्रेम्ड एंड इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जो मानते हैं जितने भी थे वो ये बोलते हैं कि हमेशा किसी भी कानून को मानने के पीछे डर नहीं होता है, फेयर नहीं होता है, सेंक्शंस नहीं होते. कई बार कंट्री जो फ्री विल से भी किसी कानून को मानती हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ को जो है बड़ी सारी कंट्री फॉलो करती हैं, वो उनके कस्टम में है. बड़े सारे देशों ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंटरनेशनल लॉ को जो है इंपॉर्टेंट पार्ट मान रखा है, जैसे कि इंडिया ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने इंटरनेशनल लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है और ये बोला है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो हमें यही बताता है कि हमें इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है. तो हम पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा सेंक्शन ही उसके पीछे या डर ही इसके पीछे नहीं होता है. नेक्स्ट आपके पास, विद द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ द कन्वेंशंस इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो एग्जिस्टेंस इन द सम एक्सटेंट. बड़े सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशंस हैं, वेना कन्वेंशंस हैं, इन सभी की वजह से इंटरनेशनल लॉ को इम्पोर्टेंस जो है मिलती है, क्योंकि ये जिनेवा कन्वेंशन जो है या फिर जो आपके पास वेना कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल मुद्दों को ही आपस में डील करने का जो है वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जिसपे सभी कंट्री ने इसको साइन कर रखा है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशंस नॉट ओनली एक्सेप्ट द इंटरनेशनल लॉ एज अ कोड ऑफ कंडक्ट बट एक्सेप्ट द लीगल सेंक्शन एंड फोर्स. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते, इंटरनेशनल लॉ को कोड भी मानते हैं अपने कंडक्ट का. मतलब जब भी वो दो देशों के बीच में कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या रिलेशंस बनते हैं या कोई इंटरकोर्स होता है तो वो इंटरनेशनल लॉ को ही ध्यान में रखा जाता है. यूएनओ इज बेस्ड ऑन द लीगैलिटी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसिवियरली टू डिनाई द एग्जिस्टेंस एंड लीगल करेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट इन प्रैक्टिस बट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लीगल थॉट्स एंड द प्रिंसिपल. अगर आप इंटरनेशनल लॉ को डिनाई करते हैं तो इससे आपको ही इनकन्वीनियंट होगी. देख लीजिए आप, इस टाइम ईरान है, संभव चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस वहाँ पे होती है. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर सेंस में लॉ है. हाँ, इसके पीछे सेंक्शनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको जो है अभी भी माना जाता है, इनको जो है एक्सेप्ट किया जाता है, और मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है जब भी इंटरनेशनल इंटरकोर्स करती हैं, दो देशों के बीच में कोई भी इंटरकोर्स होता है, तो वो इंटरनेशनल लॉ को ही जो है अपना आधार जो है बेस जो है मानती है. तो प्रोफेसर हार्ट के अनुसार देर आर मैनी रूल्स ऑफ प्रैक्टिस विच आर ऑनर्ड बाय द स्टेट एंड दे आर ऑल्सो बाउंड बाय देम
बड़े सारे स्टेट्स ने खुद ही ऐसे रूल्स बनाए होते हैं और उसमें बाउंड होते हैं। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और बड़ी सारी स्टेट ने तो अपने देश के कानून में इंटरनेशनल लॉ को भी एक्सेप्ट जो है कर रखा है। फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज़ क्लियर दैट द फॉलोइंग ग्राउंड्स आर एक्सेप्टिंग द इंटरनेशनल। अब आपके पास ग्राउंड्स हैं जिससे आप ये मान सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ सच में एक लॉ है, क्योंकि आप यहाँ पे नेचर पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ कैसा है, एक वीक लॉ है या सच में ट्रू सेंस में एक लॉ है। तो आप ऊपर जितने भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल जुरिसप्रूडेंस लॉ इज़ नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द सॉवरन किंग एंड स्टेट बट हैज़ बीन एग्जिस्टेंस मैनी कम्युनिटीज विदाउट द सॉवरन सेंक्शन। तो हमेशा जो है लॉ जो है सॉवरन किंग के थ्रू नहीं बनाया जाता, विदाउट द सॉवरन किंग भी कानून बनते हैं और उनके पीछे सेंक्शनिटी भी होती है। देर आर मैनी रिचुअल्स इन एग्जिस्टेंस विच आर नॉट इनेक्टेड बाय द सॉवरन स्टेट। ऐसे बड़े सारे कानून होते हैं कि जो सॉवरन स्टेट नहीं बनाती है इवन आफ्टर द स्टैचुचरी इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट, लेकिन फिर भी जो है इन पे जो है एक कानूनी बाध्यता जो है रहती है। जैसे आपके पास जनेवा कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन है, ये सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना ही पड़ता है। नाउ मैनी डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन। तो बड़े सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मॉरल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं किया जाता, इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशंस जो परंपराएं जो हैं उनके बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। इन सेटलमेंट ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डिनाइड बट इट इज़ प्रूव्ड दैट द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर एज पर द इंटरनेशनल लॉ। बड़ी सारी कंट्री जो हैं वो अपने कंडक्ट को एज पर इंटरनेशनल लॉ बताने की कोशिश जो है हमेशा करती हैं। इट इज़ नॉट टोरेंट, यहाँ पर गलत है, रॉन्ग होगा टू से दैट देर इज़ ए नो सेंक्शंस और फेयर फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। देर आर मैनी प्रोविजन इन द रिगार्ड ऑफ द, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए अगर नहीं कोई फॉलो करता है कंट्री तो उसके पीछे सेंक्शन नहीं है। यूएनओ में ऐसे बड़े सारे प्रोविजन हैं, इनको आगे हम पढ़ेंगे। इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूएनओ इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल। यूएनओ का बेस भी जो है लीगल और इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे ही है, क्योंकि जब यूएनओ बना था तो वहाँ पे 51 सिग्नेचरीज थी, 51 कंट्रीज़ ने जो है यूएनओ को जो है मान्यता दी थी और उनके रूल एंड रेगुलेशन को मानने का वादा किया था, इसमें से इंडिया भी एक सिग्नेचरीज था थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये बोल सकते हैं कि इवन यूएनओ जो है वो भी इंटरनेशनल लॉ और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 94 ऑफ द यूएनओ चार्टर द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। और इंटरनेशनल कोर्ट जो है जो कि दो देशों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके डिसीजन भी जहाँ पे बाइंडिंग होते हैं। इट मीन्स कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ट्रू सेंस में लॉ है और इसको जो है सभी कंट्रीज जो है फॉलो भी करती हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ उसकी जो है नेचर आपने देखी, तो नेचर आप बता सकते हैं कि ये ट्रू सेंस में एक लॉ जो है और इसके पीछे की वो सारे रीज़न आपने पढ़े जिसको हम एक प्रॉपर सेंस में लॉ जो है मान सकते हैं। थैंक यू सो मच।